ये कहानी सन 1857 के मार्च महीने से शुरू होती है, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी की फौजों ने रेमतपुर की रियासत पर चढ़ाई की। रियासत की हिंदुस्तानी फौजें अंग्रेजी फौजों का डटकर मुकाबला कर रही थीं। शहीद हो चुके, अब रहमतपुर की शहजादी रहमतपुर की हिफाजत करेगी। बाल का सितारा डूब चुका है। लोगों के बहकाने में आकर कंपनी सरकार ने हमारी रियासत को बर्बाद कर दिया। हमारी फौजें हार गईं, गोरे शहर में दाखिल हो गए। बस आज से रहमतपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत होगी, जिसमें विलायत के सैकड़ों फिरंगी हिस्सेदार हैं। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हुजूर, मैं आपका सिपहसालार हूँ और रहमतपुर का गैरों की हुकूमत। कोई बात नहीं जवाहर सिंह, मैं तो अवध का एक छोटा सा जागीरदार हूँ। खुद शाह अवध जाने आलम वाजिद अली शाह भी गिरफ्तार करके कलकत्ते भेज दिए गए हैं और किसी के कान पर जूं तक न रेंगे। हिंदुस्तान की किस्मत का पांसा पलट चुका है। बस बेगम और तस्दीन को लेकर अब यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। हुजूर, आप कहाँ जा रहे हैं? हुजूर, महल सरा पर गोला गिरा और बेगम साहबा इंतकाम फरमा गई। ओ खुदा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। और मेरी तस्वीर कहाँ है? नौजवान सिंह कहाँ है? मेरी तस्वीर उनका भी पता नहीं। ओ खुदा बंदा, ये क्या हुआ? मेरी बच्ची, मेरी इज्जत, मेरी तस्वीर। मेरी आंखों के पर्दे जला दिए जवाहर सिंह। मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। जवाहर सिंह, जवाहर सिंह, हुजूर, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मैं अंधा हो गया जवाहर सिंह। हाय मेरी आंखें, मेरी आंखें। हुजूर, हुजूर, ये रही आपकी आंखें। नमक खाया है तो जिंदगी भर नमक खारी का हक अदा करूंगा।
मैं एक राजपूत हूँ जिसकी जबान कभी नहीं बदलती। बस जल्दी से दिल्ली की तरफ निकल चलिए, वहाँ शहजादी भी मिल जाएंगी और मौका पाकर शहनशाह बहादुर शाह को अपनी मुसीबत की दास्तान भी सुनाएंगे। चलिए हुजूर, चलिए। पूरे लंबे चौड़े जवान मालूम होते हो और शिकार खेलते हो इन नन्हे नन्हे परिंदों का। अपने दिल के चंद लहमों की खुशी के लिए इन मासूम परिंदों की खुशी की दुनिया क्यों बर्बाद करते हो? बस बस, नवाबजादा असलम मिर्जा किसी की डांट फटकार सुनने का आदि नहीं और ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उसके रास्ते में रुकावट डाले। ओह, तो आप नवाबजादे हैं और उसी जोम में इन मासूम परिंदों का शिकार खेलकर बहादुरी दिखाने आए हैं। जबकि मुल्क में तबाही मच रही है, फिरंगी हमारे घरों को लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, नवाबजादे साहब, अगर आपको शिकार का इतना ही शौक है तो आप मुल्क के दुश्मनों को अपना निशाना क्यों नहीं बनाते? मुल्क की खिदमत के साथ साथ आपका शिकार का शौक भी पूरा हो जाएगा। क्या हुआ आपको? जी कुछ नहीं, थक गई थी। कोई बात नहीं, लेकिन आप हैं कौन? एक बेवतन। ओह, आप कहाँ की रहने वाली हैं? रियासत रहमतपुर, सूबा अवध। ओह, तो आप वहां से चली आई हैं अकेले? जी, हमारी रियासत कंपनी की फौजों ने जब्त कर ली। लड़ाई में मेरा तमाम घर तबाह हो गया और मैं वहां से जान लेकर भाग आई। तो आप वहां के जागीरदार नवाब खुर्शीद मिर्जा साहब की अजीज हैं? जी जी, ये आपसे किसने कहा? मैं उनकी अजीज नहीं। तो फिर आप कौन हैं? जी जी, मैं एक जगह नौकर थी, खादिमा हूँ। खैर, अब तुम जाओगी कहाँ? ये तो मुझे भी नहीं मालूम। शायद यहाँ दिल्ली में तो तुम किसी को जानती नहीं? जी नहीं। अगर मुनासिब समझो तो मेरे यहाँ चलो, मेरी अम्मी तुम्हें बहुत प्यार से रखेंगी। हुजूर, नेकी और पूछ, मैं जिंदगी भर आपकी अम्मी की खिदमत करूंगी। इस गरीब वतनी में आप पहले इंसान हैं जिसने मुझसे हमदर्दी की। क्या नाम है तुम्हारा? तस्नीम। तस्नीम, बड़ा प्यारा नाम है। अच्छा, तुम मेरे पास रहोगी? खुश नसीब है वो नौकर जिसे आप जैसे रहम दिल मालिक के कदमों में जगह मिल जाए। और फिर जाना भी चाहूं तो जाऊंगी कहां? वो शाख ही न रही जिस पे आशियाना था। कौन है? जी अब्बा जान। अम्मी, अम्मी, अल्लाह आप जाकर कह दीजिए उनसे। जा, चले जा, बात कर लो उनसे। अम्मी, अम्मी आप चलिए, वो मेरी नहीं सुनेंगे। अरे कौन आया है? लड़की आई है, मैंने इसे नौकर रख लिया है। नहीं, आवा शौकत के महल में ऐसी लड़कियों को पनाह नहीं मिल सकती। लेकिन मैं तो इसे पनाह दे चुकी हूँ। मेरी बात का जवाब नहीं दिया आपने। मैंने कह दिया नहीं। लेकिन मैंने जो इससे वादा कर लिया है। तुमने गलत वादा किया है। आजकल अवध में जागीरें जब्त हो रही हैं, लोग वहां से भाग भाग कर दिल्ली आ रहे हैं। मैं कंपनी सरकार का खैरख्वाह हूं, मेरे यहां ऐसे लोगों को पनाह नहीं मिल सकती। निकाल दो इसे।
एक इतनी सी लड़की भला आपकी इतनी बड़ी कंपनी सरकार का क्या बिगाड़ सकती है? और फिर ये एक नौकरानी है, इसे मुल्क और सरकार के झगड़ों से क्या वास्ता? मैं इसे यहाँ से नहीं निकालूंगी। बहुत जिद करती हो बेगम। हम कंपनी सरकार के वसीतेदार हैं और तुम सरकार के दुश्मनों को अपने घर में रखती हो। जी, इस लड़की का जिम्मा मैं लेती हूँ। ये सरकार की दुश्मन नहीं है। आप इसे यहाँ रहने की इजाजत दे दीजिए। बेहतर है, लेकिन अगर कोई ऊंच नीच पड़ी तो मैं तुम्ही से जवाब तलब करूंगा। इस लड़की से अच्छी तरह पूछ लो कि ये कौन है। हाँ हाँ, मैंने सब पूछ लिया है। वो देखिए सरकार, दिल्ली का लाल किला नजर आ रहा है। मैं क्या देखूंगा जवाहर सिंह, रियासत और तस्नीम के साथ आंखें भी रुखसत हो गईं। अब तो बस दर बदर की ठोकरें खानी। तो साहबजादी भी मिलेंगी और गई हुई रियासत भी फिर हाथ लगेगी। बस घोड़े यहीं छोड़कर शहर के अंदर चलिए ताकि हमें कोई पहचान ना सके। अच्छी बात है, लेकिन लाल किले के अंदर पहुंचने का जल्द इंतजाम करो। मुझे शहंशाह बहादुर शाह से मिलकर गुलाम हिंदुस्तान को फिर से आजाद कराने की कोई सूरत निकालनी है। लाल किले भी चलेंगे सरकार, लेकिन एक बारगी उस तरफ जाना हमारे लिए ठीक नहीं। क्यों? कंपनी की हुकूमत के खिलाफ हिंदुस्तानियों के दिलों में बगावत की आग भड़क चुकी है, जिसे अंग्रेज भी अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए लाल किले के चारों तरफ अंग्रेजी जासूस मारे मारे फिरते होंगे। अगर हम उस तरफ गए तो फौरन पहचान लिए जाएंगे। तो फिर हम कहाँ जाएंगे? मेरे वालिद का पुराना नौकर दिलीप, जिसने मुझे गोदियों में खिलाया है, आजकल आगा शौकत के यहाँ माली का काम करता है। मेरे ख्याल में वो घर हमारे कयाम के लिए बेहतरीन जगह होगी। वहीं बैठकर पहले साहबजादी को तलाश किया जाएगा। खुदाई छुपाए
कब तक सताएगा, कब तक गमे आशियाना सताएगा, कब तक रुलाएगा, कब तक सताएगा, कब तक। माशाल्लाह कितना अच्छा गाती हूँ जी। यूं ही जरा बस न जाने क्या दिल में आ गया। तुम रो रही हो? नहीं तो, मैं तो नहीं रो रही। मुझे बहलाने की कोशिश मत करो तस्नीम। सच बताओ तुम्हें इस घर में कोई तकलीफ है? मुझे तकलीफ क्यों होती? बेगम साहिबा को खुदा सलामत रखे, वो मुझे हमेशा अपनी लड़की की तरह समझती है। तो फिर तुम रो क्यों रही थी? सच बताओ, तुम्हें मेरी जान की कसम। रोना और हंसना अपने बस का तो नहीं होता सरकार। लेकिन हंसने और रोने का सबब तो होता है तस्नीम। परिंदा नए पिंजरे में कुछ दिन तो जरूर फड़फड़ाएगा, चाहे वो पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो। ओ, समझा। तो तुम्हें तुम्हारा घर याद आने लगा? जी हाँ, जो कुछ था वो भूलते भूलते भूलेगा, रुकते रुकते दर्द रुकेगा। खेल ये दिल की लगी नहीं है, थमते थमते थमेंगे आंसू। रोना है, कुछ हंसी नहीं है। तस्नीम, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। खुदा के लिए इस घर को अपना घर समझो। समझती तो हूँ। नहीं, कसम खाओ कि तुम दिल से हमेशा इस घर को अपना घर समझोगे। मालिक का मकान ही कनीज का मकान होता है। वफादार कनीज वो है जो मालिक के घर को अपना घर समझे। बार बार तुम खुद को कनीज क्यों कहती हो तस्नीम? इसलिए कि मैं किसी के हाथों बिक चुकी हूँ। बिक चुकी हूँ? किसने खरीदा है तुम्हें? आपने। मैंने खरीदा है तुम्हें? ये कैसे? एहसानों से। एहसान कैसे तस्नीम? तुम मेरे घर आई, ये तुम्हारा एहसान है। जिंदगी की प्यास इस आब हयात को ढूंढ रही थी, वो मुझे मिल गया। कहो कहो, ये घर मेरा है। कहो तुम्हें मेरी जान की कसम, ये घर मेरा है। तस्नीम, तस्नीम, नाक में दम कर दिया है इस कम वक्त में। अब्बा, भागना था तो दुनिया में और कोई गोशा नहीं मिला, आकर दिल्ली ही में छुपा है। अच्छा, देखता हूं कब तक रुपोश रहेगा। क्या हुआ? पानी लो। अजी, गवर्नर जनरल बहादुर ने हुक्म दिया है कि अवध की जागीर रहमतपुर की जब्ती के बाद वहां का बागी जागीरदार खुर्शीद मिर्जा दिल्ली आया है, उसे गिरफ्तार करके फौरन हाजिर किया जाए। जासूस कम्बक को ढूंढते ढूंढते आजिज आ गए हैं, लेकिन उसका पता ही नहीं चलता। अगर वो न मिला तो गवर्नर जनरल बहादुर के हुजूर में मेरी बड़ी सुखी होगी। यहाँ वो शायद बहादुर शाह से अंग्रेजों के खिलाफ साजबाज करने आया है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं कि अंग्रेजी हुकूमत का खैरखा आगा शौकत दिल्ली ही में मौजूद है। हुजूर, ये कौन बागी जागीरदार भागा है? तो ये क्यों पूछ रही है? यू ही खुर्शीद मिर्जा रहमतपुर का जागीरदार, कमबख्त की मौत उसे दिल्ली ले आई है। देखूंगा मेरे हाथ से बचकर कहां जाता है। हुजूर, कोई सूरत ऐसी हो सकती है कि उन्हें माफी मिल जाए? तू ये बातें क्यों पूछ रही है? मैं भी रहमतपुर की रहने वाली हूँ। जिस तरह आपके यहाँ नौकर हूँ, उसी तरह खुर्शीद मिर्जा साहब का भी नमक खाया है। अब तेरी ये हिम्मत हो गई कि मेरे मुल्की मामलात में दखल देने लगी? खबरदार अगर आइंदा ऐसी बातें की, समझा दो इसे। और है, कितनी चोट लगी है बेचारी को। बेटी, तुम उनका कसूर माफ कर दो,
इकबाल जरा इधर आना। बहुत चोट लगी है अम्मी? जरा इसे दवा लगा दे। देख लिया अम्मी, अब्बा जान का तो दिमाग खराब हो गया है। इज्जत के झूठे जोम में वो घर बार औलाद कौम वतन यहां तक इंसानियत को भी भूल गए। बस अंग्रेज उनका खुदा है और ये उनके बंदे। असलम खामोश, अब तेरी ये हिम्मत हो गई कि तू बात के लिए ऐसे बेहोते कलमे जबान पर लाने लगा? बदतमीज कहीं का। माफ कीजिएगा अम्मी, गुस्से में मैं न जाने क्या क्या बक गया, लेकिन अब्बा जान की ये बातें मुझे फूटी आंखों नहीं भाते। मारे खैर खाही के वो अंग्रेजों को बहका बहका कर देसी रास्तों को जब्त करवा रहे हैं, जिससे एक एक हिंदुस्तानी के दिल में बगावत की आग सुलग उठी है। देख लीजिएगा, ऐसे नादान दोस्तों के हाथों किसी ना किसी दिन ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत का बेड़ा गर्क होगा। मैं कह रही हूँ चुप रहा, अब तो है कि अपने ही बकता चला जाता है। ये जबान जो बाप के खिलाफ चल रही है, देख लेना इस पर खुदा के यहाँ जहन्नुम के अंगारे रखे जाएंगे। मैं सब समझता हूँ अम्मी, लेकिन अब्बा जान की यह हरकत कितनी बुरी थी। अगर उन्हें तस्नीम की सिफारिश मंजूर नहीं थी तो सीधी तरह से कह देते कि इस मामले में मैं किसी की सिफारिश नहीं सुनना चाहता। उस गरीब बेबस लड़की पर हाथ उठाने की क्या जरूरत थी। बैठिए हुजूर। दिलीप काका, कान खोल कर सुन लो। मुझे मालूम है कि मकान मशहूर अंग्रेजी वसीकेदार आगा शौकत का है, लेकिन तुमने मुझे बचपन से गोदियों में खिलाया है, इसलिए मैं तुम पर भरोसा करके यहाँ ठहर रहा हूँ। लेकिन देखो खबरदार, ये राज किसी को मालूम ना होने पाए कि सरकार तुम्हारे यहाँ मेहमान है। क्या मजाल है भैया? मुझे तो यहाँ पनाह मिल गई, लेकिन न जाने मेरी तस्लीम कहाँ होगी। तस्लीम, इतनी रात हो गई तुम अभी तक सोई नहीं? जी हाँ, कुछ काम में। अब तुम्हारा हाथ कैसा है? जी अब तो बिल्कुल ठीक है। तस्लीम, तुम यहाँ खुश हो ना? जब आप इतने मेहरबान हैं तो मैं क्यों ना खुश रहूं। सच कहती हूँ।
जिनकी नजर के मारे हो, तुम जिनकी नजर के मारे हो, दामन होगा उनका मेरे हाथ, मैं उनकी हूँ हाँ वो मेरे हैं हाँ, मेरी हो गई उनसे बात, मैं उनकी हूँ हाँ वो मेरे हैं हाँ, मेरी हो गई उनसे बात। इठला के चले ना ठंड हाए, फूलों से कहता नजर आए, इठला के चले ना ठंड हाए, इठला के चले ना ठंड हाए, इश्क में दे दे उनको मैंने मार, मैं उनकी हूँ हाँ वो मेरे हैं हाँ, मेरी हो गई उनसे बात, मैं उनकी हूँ हाँ वो मेरे हैं हाँ, मेरी हो गई उनसे बात। जवाहर सिंह, अरे भाई कहाँ गए? जी सरकार। अरे भाई बैठो जरा, घंटा भर से कहाँ थे तुम? सरकार मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। क्यों? तस्लीम बीवी को ढूंढने। नहीं नहीं, जमाना बहुत नाजुक है, रोज तुम इस तरह बाहर मत जाया करो। तस्लीम अगर जिंदा होती तो जरूर मिल जाती। मैं तो समझता हूँ कि किसी की गोली का निशाना बन गई। अपने हाथ से ये पान बनाए हैं तुमने? जी हाँ। अब तो ये हालत हो गई है कि जब तक तुम्हारे हाथ के बनाए हुए पान न मिल जाए, पान खाने को जी नहीं चाहता। तुमने मेरे दिलदार के पानों का मजा क्या कहना, लुत्फ दिल लेता है इनसे बखुदा क्या कहना। माशाल्लाह, मेरे हाथों के बनाए हुए पान की तारीफ में बहुत अच्छा शेर फरमाया हुजूर ने। आज ये मालूम करके खुशी हुई कि सरकार शायर भी हैं। लेकिन तस्लीम, जानती हो मुझे शायर किसने बनाया? किसने? तुमने। तस्लीम, तुमने आकर मेरी दुनिया ही बदल दी है। याद है हमारी पहली मुलाकात? मैं नन्हे परिंदों का शिकार कर रहा था और आज तुम्हारे होंठों की मचलती हुई शोखियों का खुद शिकार बन गया। अपनी पहली मुलाकात पर मैंने ये गजल कही है, सुनूंगी तस्नीम? सुनाई। ओ असलम भाई, माफ कीजिएगा, मैं जरा बेमौका आ गया। अजी मंजूर मियाँ जी, आपके यहाँ बेमौका आने के क्या मायने? आप तो दरअसल इस दुनिया में ही बेमौका पैदा हुए हैं। देखो असलम भाई, मेरी बहन के साथ तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम मेरा मजाक उड़ाते हो, इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरी बहन की तौहीन करते हो। ला हौले वला कुव्वत, तौबा तौबा तौबा। अजी मैं आपकी बहन की तौहीन कर सकता हूँ? कभी नहीं। आपकी बहन को तो मैं अपनी बहन समझता हूँ। ठीक है ठीक है, अस्तगफरुल्लाह, अरमा जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है उसी को तुम बहन कहते हो? मेरे दीवाने हो दीवाने। मुन्ना खान, मुन्ना खान। जी हजूर। ये किसने तोड़ा? हजूर क्या पता? पते का बच्चा, अगर तुझे पता नहीं होगा तो क्या मुझे होगा? जानता नहीं, ये अमेरिकन साहब की मेम साहब ने मुझे तोहफा दिया था, घटाना होता। हुजूर खामोश रहो जी। हुजूर बाहर 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 क्या करता है? ये बताइए किसने तोड़ा? हुजूर बाहर साहब लोग तशरीफ लाए हैं। साहब लोग तशरीफ लाए? अरे तूने मुझे अब तक क्यों नहीं बताया?
हेलो नवाब आगा साहब, हम आपको जनरल साहब को सलाम करता है। खुशामदे, आइए आइए। जनरल साहब आपके वास्ते ये प्रेजेंट भेजा है। शुक्रिया शुक्रिया। बंदे खान, कितना खूबसूरत तोहफा है। बंदे तुम आ गए, देखो ये जनरल साहब ने हमारे लिए तोहफा भेजा है, घड़ी। जाओ इसे जनान खाने में भिजवा दो ताकि बेगम साहिबा को मालूम हो कि आगा शौकत की कंपनी सरकार में कितनी बड़ी इज्जत है। जाओ क्यों नहीं जाते, क्या देख रहे हो तुम, जाओ। माफ करना चाहिए। ऑल राइट, ऑल राइट। तशरीफ रखिए। थैंक यू। चाय पानी? नो थैंक यू। वेल नवाब साहब, इंग्लैंड से जो कार्ट्रिज आया है उस पर मशहूर किया है कि गाय अश्व का चर्बी लगा है, इसलिए आर्मी का हिंदू मुस्लिम सिपाही उसको दांत से कटने का रिफ्यूज करता है। इंडिया वेरी हॉट। वेरी हॉट जी। मुन्ना खान, अरे कहां मर गया तू, जल्दी से पंखा ला। देखता नहीं साहब लोग आए हुए हैं, अरे तू तो मुझे दलील करा देगा। माफ कीजिए। सो क्वाइट राइट, एज एन इंडियन यू नो द इंडियन मेंटालिटी वेल। जी सॉरी, अब हिंदुस्तान अकल मंगता है। अकल? हाँ, जानता है। इसके लिए सरकार कंपनी आपका वॉइस मांगता है। क्या मांगता है? एडवाइस मांगता है। आपका राय मांगता है। मशवरा? हाँ जरूर मशवरा देंगे, जरूर देंगे। वेल कैप्टन रॉबर्ट, इंडिया वेरी हॉट। वेरी हॉट। अरे बदतमीज, तू क्या खड़ा देख रहा है, पंखा क्यों नहीं चलता? अबे मुझे नहीं, इन्हें माफ करना चाहिए। क्वाइट राइट। कप्तान साहब, जनरल साहब से इस मामले में मेरी कई मरतबा बातचीत हो चुकी है। मैंने तो उन्हें समझा दिया था कि ये टके टके के कमीने सिपाही बड़े काम चोर हैं। ये सारी हरकतें सिर्फ काम से जान बचाने के लिए कर रहे हैं। अगर आपने एक मरतबा भी उनकी शिकायत सुन ली तो वो हमेशा ये पाजीपन करते रहेंगे। हमें इस वक्त सख्ती से काम लेना चाहिए। जो सिपाही हुक्म उदूली करे उसे बंधवा कर हंटर लगवाए जाए, बस दहशत फैल जाएगी और सारे आदमी ठीक तरह से काम करने लगेंगे। वेल आपका एडवाइस ये है दैट वी शुड नॉट माइंड सच थिंग्स। जी क्या कहा? कि इसका ख्याल ना करना चाहिए। बेशक जब आपके बड़े बड़े अफसर ये कहते हैं कि इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी नहीं तो ठीक है, साहब लोग कभी झूठ नहीं बोल सकते। बल्ले का मैं जिम्मेदार हूँ, आप इस मामले में बिल्कुल मत डरिए, मैं एक एक बदमाश की मार मार का खाल खींच लूंगा। ऑल राइट, तो हमेशा जनरल साहब को आपका सलाम आता है। आप मेरी तरफ से यही अर्ज कर दीजिए और अगर किसी वक्त इससे भी ज्यादा खतरनाक हालत देखें तो मुझे जरूर बुलवाइए। वेल खुदा। अच्छा सरकार, जरा अपनी उस दिन वाली गजल तो सुनाइए। उस्ताद मोहतरम, उस गजल को आप मेरी गजल क्यों फरमाती हैं? वो गजल तो दरअसल हुजूर ही की है, मुझे शायर तो आप ही ने बनाया है। अच्छा, सरकार के उस्ताद मोहतरम सरकार को हुक्म देते हैं कि वो गजल बाकायदा गाकर सुनाए। सर आंखों से वो पहली मुलाकात वो पहली मुलाकात ही बस प्यार बन गई। वो पहली मुलाकात, नीची नजर
नीची नजर ही इश्क का करार बन गई, नीची नजर ही इश्क का करार बन गई, पहली मुलाकात वो पहली मुलाकात, वो पहली मुलाकात। कली खिली आँखें मिली तो मिलते ही दिल की कली खिली, उल्फत हमारे सीने का, उल्फत हमारे सीने का बस हार बन गई, बस हार बन गई, उल्फत हमारे सीने का बस हार बन गई, बस हार बन गई। हे वो पहली मुलाकात, वो पहली मुलाकात, वो पहली मुलाकात ही बस प्यार बन गई, प्यार बन गई, बस प्यार बन गई, प्यार बन गई, वो पहली मुलाकात। हंस पड़ा तो उठा इसको झूम झूम, इसको झूम झूम, बुलबुल बुलाए लेने लगी गुल को झूम झूम, गुल को झूम झूम, जब हुस्न हंस पड़ा तो उठा इसको झूम झूम, इसको झूम झूम, बुलबुल बुलाए लेने लगी गुल को झूम झूम, गुल को झूम झूम। जब तुम हंसी तो जिंदगी, जब तुम हंसी तो जिंदगी गुलजार बन गई, गुलजार बन गई, जब तुम हंसी तो जिंदगी गुलजार बन गई, गुलजार बन गई। वो पहली मुलाकात, वो पहली मुलाकात, वो पहली मुलाकात ही बस प्यार बन गई, प्यार बन गई, बस प्यार बन गई, प्यार बन गई, वो पहली मुलाकात। सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी गजल है दलीप, ये कौन गा रहा था? छोटे सरकार को शायरी का शौक है, वही अक्सर बाग में गाया करते हैं। लड़का तबीयतदार मालूम होता है। उफ, जवानी के दिन याद आ गए, जब मैं भी शायरी के पीछे दीवाना था। वो भी क्या वक्त था जब इश्क के बीमार थे हम, वो भी क्या दिन थे के जुल्फों में गिरफ्तार थे हम, वो भी क्या वक्त था जब इश्क के बीमार थे हम। ये किसकी आवाज है? शायद दिलीप के यहाँ कोई गा रहा है। दिलीप को? इस बाग का मालिक। तस्नीम, या खुदा, क्या हुआ, क्या बात है? क्या हुआ तस्नीम? कुछ नहीं, मुझे मुझे इख्तलात का दौरा हो गया है, दिल धड़क रहा है, सब चकरा रहा है। अमा असलम भाई, सब माफ करना, मैं जरा बेमौका आ गया। ये आप क्या कर रहे हैं, जरा इधर तो आइए। आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो बड़ी बदनामी हो जाएगी।
یہ منظور میاں ہمیشہ بے موقع ٹپک پڑتے ہیں. آج میں ان کا دماغ ٹھیک کیے دیتا ہوں. میں تو ابھی تک مذاق ہی سمجھتا تھا مگر آپ تو واللہ سچ مچ حد سے بڑھے جا رہے ہیں. اجی منظور میاں میں آپ سے مذاق کہاں کرتا ہوں, میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ یہ اسی جہاز کا نمونہ ہے جو سب سے پہلے انگلستان سے ہندوستان آیا. مگر آپ اس جہاز کا نام جانتے ہیں؟ اس جہاز کا نام ہیکٹر ہے. کیا میاں؟ بے موقع نہیں میرے بھائی, اسی ہیکٹر جہاز میں انگلستان سے چند انگریز آئے تھے جنہوں نے شہنشاہ جہانگیر کے قدم چوم کر ان سے یہاں تجارت کرنے کی اجازت مانگی. ہاں بھائی میری اور اسی شہنشاہ کی فیاضی سے وہ یہاں رہتے تھے اور اپنا پیٹ بھرتے تھے. آج اسی شہنشاہ کا پوتا لال قلعے میں ان کی نظر عنایت کا محتاج ہے. ارے میاں یہ کیا بے موقع باتیں کر رہے ہو؟ تم باغیچے میں کیا کر رہے تھے یہ میں چار گھنٹے سے پوچھ رہا ہوں. اچھا تو آپ پوچھ رہے ہیں یہ کون سی کتاب ہے؟ اجی اس کتاب کا نام ہے دی وار آف امریکن انڈیپینڈنس. ارے بھائی یہ تم انگریزی میں کیا بک رہے ہو, میں پوچھتا ہوں کہ ابھی تم باغیچے کے اندر اندر اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ سن 1776 میں جب امریکہ نے انگلستان سے اپنی آزادی حاصل کرنے کا اعلان کیا تو اس وقت کا دی ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس یعنی آزادی کا اعلان سنی. All men are created equal and are endowed by their creator with certain unalienable rights. The government existed to protect these rights. And whenever any form of government becomes destructive of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it. Aman Aslam bhai. Maaf kijiyega Manzoor Mia. Main bhool gaya ki aap angrezi nahi samajhte. Dijiye ab is elan ka tarjuma sunata hoon. Khuda ne sab insano ko barabar banaya hai. Aur usi khuda ne انسانوں کو چند پیدائشی حق عطا فرمائے. ہر سلطنت انسانوں کے اس پیدائشی حق کی حفاظت کے لیے قائم کی جاتی ہے, اور جب کبھی وہ سلطنت اس حق کی بربادی کا باعث ہوتی ہے تو عام لوگوں کو یہ حق ہے کہ اس سلطنت کو بدل دیں یا برباد کر دیں. اجی میں جناب کو سلطنت بدلنے کے لیے نہیں کہتا ہوں, میں تو کہتا ہوں کہ آپ بدل گئے ہیں. آپ کیا معنی؟ واللہ آپ کاہے کو سمجھیں گے بھائی جان, یہ ابھی باغ میں آپ کی شانے پر کس کی زلفیں لہرا رہی تھیں؟ اور ماں کس کمینی عورت کو تم نے بھی منہ لگایا ہے. سن میں تم سے چھوٹا ہوں لیکن میں نے بھی دنیا دیکھی ہے. ہاں واللہ یہ لڑکی اگر تمہارے گلے نہ پڑ جائے تو تم مجھے منظور نہ کہنا. اجی منظور صاحب میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھ ناچیز کے گلے کا خیال آپ کے سر مبارک کو کیوں تکلیف دیتا ہے. واہ بھائی خوب سوال کیا آپ نے. کیوں جناب, کیا نرگس میری بہن نہیں؟ اگر آپ کی یہی حرکتیں رہیں تو میں کہتا ہوں تمہارے اور میرے بیچ میں تلواریں چل جائیں گی تلواریں. ہاں دیکھیے دیکھیے منظور صاحب, جوش میں آ کر وہ باتیں نہ کیجیے جو آپ کو زیب نہیں دیتی. تلوار زبان سے نہیں ہاتھ سے چلتی ہے, اور آپ جیسے رئیسوں کی نیم زنانی کلائیاں یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتی. دیکھو اسلم تم اپنے الفاظ واپس لو نہیں تو میں کہتا ہوں واللہ. تو واللہ کیا کیجیے گا؟ میں کہتا ہوں میں جی فرمائیے کیا کیجیے گا آپ. کیا ہے کیا یہ تم جھگڑ کیوں رہے ہو؟ دیکھیے نا خالہ اماں حضرت سوداپن کرتے پھرتے ہیں, میں نے ذرا سمجھایا تو مجھ سے لڑنے پر تیار ہو گئے. کیا بات ہے اسلم؟ کچھ نہیں امی, وہی اپنی بیٹوں کی ہانک رہے ہیں, میں نے ذرا مذاق کیا تو لگے تلوار کی دھمکی دینے بیٹ. لیکن یہ بھی تو بتائیے کہ آپ باغ میں کیا گل کھلا رہے تھے؟ شرافت کی تو حد کر دی آپ نے, اس ٹکے کی چھوکری تسنیم کو گود میں لیے کھڑے تھے, وہ اب بھی وہی موجود ہے. چلیے خالہ اماں آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر لیجیے. چلیے ٹھہرو امی, میں نے آج تک بھی آپ سے جھوٹ نہیں بولا, تسنیم میرے ساتھ باغ میں تھی. بڑے غیرتدار ہیں آپ, بزرگوں کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لا حول ولا قوۃ. اسلم جی امی, مجھے تمہارے چال چلن پر ناز تھا, میں سمجھتی تھی کہ دوسرے امیرزادوں کی طرح میرا اسلم بد چلن نہیں تھا. نہیں امی آپ میرے چال چلن پر شبہ نہ کیجیے, آپ جیسی شریف ماں کی تربیت میں پلا ہوا لڑکا کچھ بھی ہو بد چلن نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ سب کیا تھا؟ میں صرف تسنیم کے ساتھ باتیں کر رہا تھا. تمہیں یہ بھی مناسب نہ تھا, اللہ رکھے تمہاری شادی طے ہو چکی ہے. لیکن اس سن کی گھرانے مجھے شادی منظور نہیں امی. اور تمہارے باپ کا فیصلہ؟ ان کا فیصلہ انہی کو مبارک ہو, شادی مجھے کرنی ہے ان کو نہیں.
उनकी नजर में शराफत का मियार दौलत है और मेरी नजर में शराफत इंसानियत का दूसरा नाम है। मुझे दुनिया में जो सबसे ज्यादा शरीफ लड़की मिली मैंने उसी से शादी करने का इरादा कर लिया। मैं आपसे इजाजत मांगने ही वाला था। कौन है वो लड़की? जी तस्नीम। तस्नीम आओ बेटी आओ। जी फरमाइए सरकार। माशाल्लाह तुम बड़ी समझदार हो। मेरे सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है, उसमें मैं तुमसे मशविरा लेना चाहती हूँ। मैं और हुजूर को मशवरा दूँ? क्या फरमाती है सरकार? नहीं, उस मामले में तुम्हारा ही मशविरा मुनासिब रहेगा। तुम जानती हो मैं हमेशा तुम्हारी अक्लमंदी की तारीफ करती हूँ। ये तो हुजूर की इज्जत अफसाई है, वरना मैं क्या और मेरी अक्ल क्या। फिर भी हुजूर के हुक्म पर अमल करने की कोशिश करूंगी। अच्छा तो बताओ मेरी ये अंगूठी कैसी है? हुजूर एक कनीज जवाहर शिनासी क्या जाने। फिर भी अपनी राय तो दो। जी अंगूठी बहुत खूब है। मुझे भी बहुत पसंद है ये। अपने सारे जेवरों में इस अंगूठी से ज्यादा मुझे कोई चीज अजीज नहीं। लेकिन देखो ये उंगली दबाने लगी है, उतारने को जी नहीं चाहता और पहनने से तकलीफ होती है। तुम ही बताओ मुझे अब क्या करना चाहिए? हुजूर सर सदका दीजिए ऐसी अंगूठी को। आप सलामत हैं तो ऐसी हजारों अंगूठियां मिल जाएंगी। मुझे तुम्हारा मशविरा पसंद नहीं आया। क्यों हुजूर? मेरी जान के कसम खाकर कहो, एक बात कहूं बुरा तो ना मानोगी? कनीज भला आप जैसे मेहरबान मालिक की बात का बुरा मान सकती है? तस्नीम ये अंगूठी तुम हो। मैं? हाँ तुम। असलम के बाद अगर मैं किसी को चाहती हूं तो तुमको। लेकिन तुम्हारी वजह से मैं देखती हूं कि इस घर में कश्माकश पैदा होने वाली है। मेरा किस बात की तरफ इशारा है ये शायद तुम समझ गई होगी। जी हाँ समझ गई। तो फिर तुम खुद अक्लमंद हो, कोई तदबीर ऐसी निकालो कि ये बना बनाया घर न उछले। हम कुछ भी समझे लेकिन दुनिया की नजर में तुम्हारा और असलम का कोई जोड़ नहीं। हुजूर खुदा करे आपका घर हमेशा सलामत रहे। मैं वाकई अपने हद से बढ़ गई थी। आपकी मेहरबानियां पास वक्त ये भुला देती थी कि मैं एक कनीज हूं। खैर कोई बात नहीं, मैं वादा करती हूं कि मेरी वजह से कोई खराबी पैदा होने नहीं पाएगी। आज रात को मैं यहां से चुपचाप चली जाऊंगी। ठहरो तस्नीम। अम्मी मैंने आपकी सब बातें अपने कानों से सुन ली। अभी तक मैं अब्बा जान को ही इंसानियत का दुश्मन समझता था, लेकिन मुझे आज मालूम हुआ कि मेरी फरिश्ता खसलत अम्मी में भी अमेरिका गरूर मौजूद है। असलम तू अपनी माँ से बातें कर रहा है जिसके पांव के नीचे बहिष्ट है। हाँ मुझे फख्र है कि मेरी माँ ने हमेशा हक और सच्चाई की तरफदारी की है। जिस माँ की तालीम ने मेरे दिल से बुजदिली निकाली, मुझे इंसान बनाया, मुझे हक परस्त बनाया, मैं आज देख रहा हूं कि वही माँ खुद अपने लड़के का मामला आने पर कितनी कमजोर हो गई है। उसने इस्लामी मसावात को भुला दिया। शरीफ और कमीने का सवाल उसके दिमाग में पैदा होने लगा। गरीब और अमीर के फर्क पर उसकी नजरें जा पहुंची। काश मैंने जो कुछ देखा है ना देखा होता। क्या तस्नीम आपके यहां नौकर होने से इंसानियत के दर्जे से भी गिर गई? क्या यही आपका इंसाफ है? हाँ बेटा तुम सच कहते हो। इस वक्त मैं सिर्फ तुम्हारी मां बनकर बात कर रही थी।
اسلامی تعلیم سے میری نظر ہٹ گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ یہ مت بھولو کہ میں ایک ایسے شوہر کی بیوی ہوں جو تمہارے خیالوں سے کبھی موافقت نہیں کر سکتا، اور مجھے زوجہ کی حیثیت سے اس کا حکم ماننا ہوگا۔ تو سن لیجئے، میں بھی اپنا فیصلہ ایک مرتبہ پھر آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ میں شادی تسنیم ہی کے ساتھ کروں گا، اور دنیا کی کوئی طاقت میرے اس ارادے کو نہیں روک سکتی۔ خاموش ہو جائیے سرکار، شادی کرنا تو بہت دور، میں آپ کی زبان سے اپنا نام بھی سننا نہیں چاہتی۔ جب ماں کے ساتھ آپ اس طرح پیش آتے ہیں تو میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اور پھر ماں بھی کون جس کی شرافت کا جواب اس دنیا میں نہیں مل سکتا؟ تسنیم، بس الگ رہیے، یا تو میرے سامنے بیگم صاحبہ کے قدم پکڑ کر معافی مانگیے، نہیں تو آج سے میں آپ کے سائے سے بھی پرہیز کروں گی۔ نہیں تسنیم، میری امی مجھ سے خفا نہیں ہوئی، انہیں نے تو مجھے سکھایا ہے کہ سچ کہنے میں ماں باپ کسی کا لحاظ نہ کرو، اور خود اپنی ہی دی ہوئی تعلیم پر عمل کرنے سے وہ مجھ سے ناراض کیسے ہو سکتی ہیں؟ اگر سچ بولنا اسی کو کہتے ہیں تو پھر بدتمیزی کس چیز کا نام ہے؟ اگر آپ معافی نہیں مانگیں گے تو میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ امی، کیا آپ مجھ سے خفا ہو گئی؟ نہیں بیٹا، اس وقت غلطی میری تھی، مجھے تسنیم سے ایسی باتیں نہ کرنی چاہیے تھی۔ تسنیم ادھر آؤ بیٹی۔ تمہیں کنیز کون کہہ سکتا ہے بیٹی؟ تم واقعی اس گھر کی بہو بننے کے لائق ہو۔ خدا کرے اس وقت میری زبان سے نکلی ہوئی بات سچ ہو کر رہے۔ بتا کہ میں کیا کروں، ہماری محبت کا راز تو فاش ہو گیا، مگر تو نے بھی تو کسی بھونرے سے چپکے چپکے محبت کے اشارے کیے ہوں گے، اگر کیے ہیں تو بتا، وہ محبت ظاہر تو نہیں ہوئی تھی، اور اگر ہوئی بھی تھی تو وہ بے وفا تو نہیں نکلا؟ تجھے میری قسم، سچ بتا، کیونکہ مجھے بھی ان سے سمجھ گیا۔ تو سنا اپنی محبت کی کہانی؟ نہیں سنا تو سنا دے، تجھے میری قسم سنا دے، سنا دے۔ چپکے نہ جانے کیا اشارے ہو گئے، کیا اشارے ہو گئے، ہم تو ان کے ہو گئے اور وہ ہمارے ہو گئے، ہاں ہمارے ہو گئے۔ چپکے ہی چپکے ان بھوروں کی الفت میں نانا میری علی، دل کھوٹ سے بھرپور
वफा से है ये खाली, देते हैं दगा मिलके मोहब्बत में निराली। कसमें है ये झूठी, लगावट है ये जाली। उनकी दुनिया लुट गई जो इनके प्यारे हो गए, इनके प्यारे हो गए। झुके ही झुके, झुके हाँ झुके ही झुके। लेकिन मेरी सरकार ये बातें हैं ख्याली, बजती नहीं हरगिज कभी एक हाथ से ताली। हम वो हैं के दिल दे के भी रहते हैं सवाली, उस पर भी ये कहते हो मोहब्बत है खाली। जिंदगी भर के लिए हाँ जिंदगी, जिंदगी भर के लिए हम तो तुम्हारे हो गए, हाँ तुम्हारे हो गए, हाँ हाँ तुम्हारे हो गए, हाँ तुम्हारे हो गए। झुके ही झुके का करे दरगा, हम पागा करे दरगा, गम बदल पा दा नीदा 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 पदा पा मगाए माता पदा पा मगाए। झुके ही झुके न जाने न जाने न जाने क्या इशारे हो गए, क्या इशारे हो गए। झुके ही झुके दम भरते हैं उल्फत का, जो करते हैं मोहब्बत। एक रोज यही लाएंगे सर पे तेरे आफत, आफत भी वो आफत की कहे जिसको कयामत। इनकी बातों में जो आए बेसहारे हो गए, बेसहारे हो गए। झुके ही झुके, झुके ही झुके हाँ झुके ही झुके। है हमसे ही दुनिया में तेरे हुस्न की शोहरत, गर हम न हुए पूजेगा फिर कौन ये सूरत। मिल जाओ मोहब्बत से करो अब न बगावत, कब तक ये सितम अब तो करो हम पे नायत। प्यार से कह दो ऐ फूलो प्यार से, प्यार से कह दो ऐ फूलो हम तुम्हारे हो गए, हाँ तुम्हारे हो गए, हाँ हाँ तुम्हारे हो गए, हाँ तुम्हारे हो गए। चुपके ही चुपके हम तो उनके हो गए और वो हमारे हो गए, हाँ हमारे हो गए, हाँ हाँ हमारे हो गए, हाँ हमारे हो गए। जिंदगी भर के लिए हम तो तुम्हारे हो गए, हाँ तुम्हारे हो गए, हाँ हाँ तुम्हारे हो गए, हाँ तुम्हारे हो गए। चुपके ही चुपके चुपके ही चुपके हम तुम्हारे हो गए। तस्नीम, तस्नीम, यहाँ खड़ी खड़ी के ख्वाब देख रही हो? जी हाँ, जी नहीं, कुछ नहीं, यूं ही। तस्नीम सुनो तो, अल्लाह अम्मी तो राजी हो गई, अब सिर्फ अब्बा जान से जात लेनी है। अब्बा जान की इजाजत चाहिए, मैं दिलवाए देता हूं।
माफ कीजिएगा खालू जान, मैं जरा बेमौका आ गया। आप कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आओ आओ बैठो। अरे मियां नीचे क्यों, ऊपर बैठो। बड़ी मेहरबानी। सुनाओ कैसे आना हुआ? जी बस यूं ही आपके सलाम को चला आया। क्यों नहीं, क्यों नहीं, अभी अभी दो बड़े बड़े अंग्रेज अफसर मुझे सलाम ही करने के लिए आए थे। हाँ अभी अभी मैंने बाहर देखे थे। और क्यों नहीं खालू जान, आपकी इज्जत यहाँ के जागीरदारों में सबसे ज्यादा है। मगर मगर क्या? जी कुछ नहीं खालू जान, आप बुजुर्ग हैं, मैं भला क्या कहूँ। नहीं नहीं तुम्हें कहना पड़ेगा। जी आप मुझे मजबूर न कीजिए खालू जान। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। मगर हाँ तुम क्या कर रहे हो, जाओ अब कहो। जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि आपने तो सरकार में बड़ी इज्जत हासिल की है, लेकिन हमारे हमारे असलम भाई इस इज्जत को मिटा कर ही रहेंगे। क्या माने? अजी क्या अर्ज करूं, ये आपके घर में जो नई कनीज तस्नीम आई है ना, वो उससे बुरी तरह उलझ गए हैं। अजी मैंने तो यहाँ तक सुना है कि हमारे यहाँ की शादी से इनकार करके वो उससे शादी करने को कह रहे हैं। मंजूर क्या ये तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच खालू जान, भला आपके सामने मैं कभी गलत बयान नहीं कर सकता हूँ। क्या तुमने अपनी खाला जान से भी इस मामले में गुफ्तगू की? मुझसे भी मजबूरन अर्ज करना ही पड़ा। और तो फिर उन्होंने क्या कहा? कहती क्या बेचारी, लड़के के लिए हर माँ का दिल कमजोर होता है, और फिर इसमें उनका कसूर भी क्या, ये सब उसी वो। मगर मेरे घर में उस कमीनी तस्नीम की ये हरकतें। मुझको यही को जुस्तजू
से मेरे हो तू तेरी नजर में मैं रहूं मेरी नजर में तू पुकार रहे हैं शायद कोई काम होगा जाओ नेम तस्नीम तस्नीम कहाँ है जी हुजूर क्यों कमीनी भूखों मरती हुई आई थी मैंने तुझे अपने घर में जगा दी उसका यही इनाम दिया तूने मैं समझी नहीं हुजूर का मतलब ओहो कितनी भोली कैसी नादान तू काहे को समझेगी कुछ क्या हुआ खामोश रहो जी तुम ये सारा घर तुम्हारा ही बोया हुआ है ये कमीन लड़कियां तो इसी फिक्र में रहती हैं कि किसी शरीफ पर डोरे डालें और अपनी जिंदगी बना लें लेकिन तुम सब कुछ जानते हुए भी आंखें बंद किए बैठी रही लीजिए बेकार बेकार आप मुझ पर बरस पड़े मैंने आखिर क्या किया है तुम्हीं ने इस कमीनी को जिद करके घर में रखा तुम्हीं ने लाड और प्यार में असलम को सर पर चढ़ाया अब तो साहिबजादे का दिमाग अर्शे मौला की सैर कर रहा है बस जब तक चल रहा है चल रहा है जिस रोज मुझे गुस्सा आया मारते मारते मर्दूद की हड्डियां तोड़ दूंगा बेशर्म कहेगा उसे इस रजीज से इश्क करने में मेरी इज्जत का भी ख्याल ना आया ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार का मुशीर कार आगा शौकत जिसके घर पर बड़े बड़े अंग्रेज अफसर तोहफे लेकर मिलने आते हैं उसी का लड़का इतना गिर गया इस कमबख्त पर अगर जवानी यूं ही पटी पड़ती थी तो मुझसे आकर कहता मैं उसकी मंगनी एक बड़े इज्जतदार घराने में कर चुका हूं और तक शादी भी कर दे हुजूर आप उन्हें कुछ ना कहिए इस मामले में खता मेरी है अगर मैं उससे दूर रहती तो ये सूरत कभी पैदा ना होती ओहो दिल मिला उठी अपने खत्म के लिए उन्हें कुछ ना कहिए उन्हें कुछ ना कहिए हुजूर गरीब ही शरीफ हो सकते हैं गरीबों के पास भी इज्जत आबरू है मैं गरीब हूं लेकिन बेइज्जत नहीं आप अपने लफ्ज़ वापस लीजिए बस कहा कही जी मुझसे जुबान लड़ाती है कहां है मेरा हंटर तस्नीम पर हाथ उठा सकेंगे मैं समझा इसमें तुम सबकी साथ बात है लेकिन सुन लो आज शाम तक ये आवाज लड़की मेरे घर में ना हो वरना इसे गोली मार दूंगा चुप रहो बेटी तकदीर किस पहलू करवट ले रही है ये कोई नहीं जानता तुम्हारी जो जिल्लत इस वक्त हुई है उसकी जिम्मेदार मैं हूं नहीं सरकार आपने मुझ पर मां से ज्यादा मेहरबानियां की हैं लेकिन मेरे सितारों की गर्दिश को आप कैसे बदल सकती हैं गरीबी की वजह से आज गाली भी सुन ली नहीं नहीं तुम इन बातों का ख्याल मत करो उनका गुस्सा तुम जानती हो
और गुस्से में वो मुझे क्या कुछ नहीं कह जाती। अम्मी है? क्या बात है, तस्नीम क्यों रो रही है? क्या बताऊं, आखिर वही हुआ जिसका डर था। तुम्हारी वजह से तुम्हारे अब्बा जान तस्नीम को घर से निकाल रहे हैं। अभी न जाने कितनी बुरी बुरी गालियां दे गए बिचारी को। अम्मी तस्नीम कहीं नहीं जाएगी, और अगर चली गई तो या तो मैं इस घर को आग लगा दूंगा या मैं भी कहीं निकल जाऊंगा। चुपके बोल, वो कहीं सुन न ले। तस्नीम को घर से निकालने का फैसला सुन लेने के बाद अब मैं खामोश नहीं रह सकता। अब्बा जान ने क्या समय रखा कि मैं उनकी दौलत का भूखा हूं, मुझे उनका एक खपानी चाहिए। मैं तस्नीम को लेकर अपनी दुनिया अलग बना सकता हूं। मैं पढ़ा हूं लिखा हूं, मेरे पास मौलवी अब्दुल हक साहब की दसगाह की सनद मौजूद है, जहां भी बैठूंगा अपनी रोजी कमा लूंगा। असलम जी, अब्बा जान इधर आ। देखो बेटा, खुदा के लिए उनसे सख्त कलामी न करना, वो तुम्हारे बाप। मैं आपके हुक्म की तामील करूंगा, लेकिन जब तक मेरे और उनके उसूली इख्तिलाफ का मौका ना आएगा। इलाही खैर सरकार, मुझ पर जो कुछ भी गुजरी आपने उनसे क्यों कह दिया? तुम अभी क्या कह रहे थे? यही ना कि तुम तालीम याफ्ता हो, साहिब सनत हो, अपनी रोजी तुम खुद कमा सकते हो। मैं कहता हूं फूंक दो उन किताबों को जिन्होंने तुम्हें अपने बाप की नाफरमानी सिखाई। बड़े सनत याफ्ता हो, अगर अभी घर से निकाल दूं तो जितनी बड़ी तुम्हारी सनत है उतना बड़ा रोटी का टुकड़ा कोई भीख मांगने से भी नहीं देगा। लेकिन मैं वो कमजोर बाप नहीं जो औलाद से हार कर उसे घर से निकाल देता है। मेरा नाम है आगा शौकत, जितने बड़े बड़े तुरम खानों की मूछ और मुंह से उखाड़ ली। क्या तुमने यह समझ लिया है कि तुम रूठ कर चले जाओगे और मैं तुम्हें जाने दूंगा? लोग जान दे देते हैं लेकिन बालिश पर जमीन नहीं छोड़ते। फिर मैंने जिस औलाद को लाखों रुपए खर्च करके पाला पोसा है उसे कैसे छोड़ दूं? ये अमीराना पोशाक, ये तहजीब, ये तालीम, ये फलसफा, ये मंत्र सब मेरे ही पैसे से खरीदी हुई चीजें हैं। यहां तक कि तुम्हारा गोश्त पोत और हड्डियां तक मेरे ही परवरिश की हुई है। मेरी चीजें लेकर तुम कहां जाओगे बोलो? अगर तुम सीधी तरह न माने तो हंटर के जोर से तुम्हें सीधा किया जाएगा। ये फिरौनियत मुझसे नहीं चल सकती। तस्नीम आज शाम से पहले इस घर में ना होगी। अब्बा जान आप ये नाइंसाफी कर रहे हैं। साहबजादे, ये लैला मजनू की दास्तान मेरे सामने लेकर मत बैठो। ये बेहुदा बातें सभी बौखलाए हुए नौजवान पका करते हैं जिसका मुझ पर कोई असर नहीं हो सकता। बस जाओ, मैं तुम्हारी शादी तय कर चुका हूं जो बहुत जल्द हो जाएगी। मुझे वो शादी मंजूर नहीं अब्बा जान, उन लोगों के साथ मेरी कभी नहीं निभ सकती। निभ नहीं सकती? वो लोग हमारे बराबर के हैं, दौलतमंद हैं। दौलतमंदी मेरी नजर में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए अपने उसूल छोड़ दिए जाएं। मुझे उनका रहन सहन चाल ढाल कुछ भी पसंद नहीं है अब्बा। लेकिन मैं उनसे वादा कर चुका हूं, हम मुगल हैं, हमारी रगों में मोले खून दौड़ रहा है, हमारी जुबान कभी नहीं बदल सकती। अब्बा जान, जो मुगले खून आपकी पूरी रगों में दौड़ रहा है वही खून मेरी जवान रगों में है। अगर आपकी जबान नहीं बदल सकती तो मेरा वादा भी नहीं कर सकता। मैं किसी से शादी का वादा कर चुका हूं। किससे वादा कर चुका है तू? तस्नीम से? जी हां। जी हां के बच्चे, मर्दूद, कमीने, एक कम असल लड़की से शादी करने को कहता है, शर्म नहीं आती तुझे? आपकी नजर में रुपयों के जितने ऊंचे ढेर पर आदमी बैठता है उतना ही शरीफ है, लेकिन मैं शराफत के लिए अमीरी और गरीबी की कैद को जरूरी नहीं समझता। तस्नीम से ज्यादा शरीफ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी और ना आइंदा देखने की उम्मीद है। बदगुमान, बदजबान, बदतमीज मुझसे जुबान लड़ाता है।
तुम्हें कल तक का वक्त दिया जाता है, सोचकर जवाब देने के लिए नहीं, ये बेहुदा ख्यालात बदल देने के लिए। कल सवेरा होने से पहले तुम्हारे दिमाग में वही होना चाहिए जो मैं चाहता हूं। मैं ये तमाचा अगर मेरे मुंह पर पड़ा होता तो कोई बात न थी, लेकिन आपने मेरे उसूल के मुंह पर तमाचा मारा है। याद रखिए, जो उसूल जुल्म से दब जाए वो उसूल नहीं। उसूल उसूल बेटा, बस बहुत हो गया, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। अम्मी तस्नीम कहाँ है? तस्नीम असलम, तस्नीम असलम, तस्नीम को
जा रहा है, उसे जाकर बना लीजिए। यही बकता है, कहाँ जाएगा वो? नहीं, मैं उसकी माँ हूँ, उसे अच्छी तरह जानती हूँ। अगर वो यहाँ से चला गया तो फिर कभी नहीं आएगा। अच्छा ठहरो, अभी मनाता हूँ पाजी को। ये क्या कर रहे हैं? हाँ, इतना हो तुम। तस्नीम, तस्नीम। लड़के, तुमने तस्नीम को देखा? हुजूर, तस्नीम माली के घर गई है। माली के घर? असलम, असलम, असलम कहाँ? हजूर, छोटे सरकार अभी यहीं तो थे। अबे यहीं थे तो क्या आसमान खा गया, जमीन निकल गई? समझ में नहीं आ रहा। असलम, असलम कौन है? कौन है? तस्नीम। अब्बा जान। कौन? तस्नीम बेटी? नहीं नहीं, आप अब्बा जान के पास मत आइए। ये कौन है बेटी तस्नीम? तस्नीम, ये क्या तुम्हारे अब्बा जान है? आप यहां से चले जाइए, आगे ना बढ़िए। मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम हो आगा शौकत के लड़के असलम। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जिस्म पर फरना होगा। खून का एक कतरा भी मेरे जिस्म में रहते हुए रहमतपुर के नवाब की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। जवाहर सिंह। तस्लीम भी? हाँ जवाहर सिंह, ये मेरे मोहसिन हैं, इन पर हाथ न उठाना। आप ही रहमतपुर के जागीरदार नवाब खुर्शीद मिर्जा हैं? हाँ, मैं ही वो बदबख्त हूँ। ये मेरे मोहसिन हैं अब्बा जान, इन्होंने ही मुझे अपने यहाँ पनाह दी। ये ना होते तो आज मैं ना जाने कहाँ होती। साहबजादे, मैं तुम्हारा दिल से शुक्रगुजार हूँ। हुजूर, हमारे छोटे सरकार तो देवता हैं, किसी का दुख नहीं देख सकते। क्यों नहीं, खुदा इनकी उम्र दराज करे। खुदाया, तेरा हजार हजार शुक्र है कि तूने मेरे शक को यकीन से बदल दिया। मेरे अब्बा जान ने तस्नीम को कनीज समझकर उसकी तौहीन की, उसे तमाचा मारा, उसे गालियां दी। लेकिन अब मैंने बता सकूंगा कि तस्नीम कनीज नहीं बल्कि नवाबजादे है। सबसे पहले काम यह करना है कि आप लोग यहां से निकल चले। आपकी गिरफ्तारी मेरे वाले साहब के सुपुर्द की गई है, आपके खुफिया कयाम का इंतजाम मैं करूंगा। ठहरो, तुम इसे कहां ले जा सकते हो? मेरा शिकार मेरे ही घर में छुपा हुआ था। गिरफ्तार कर लो हुसैन मिर्जा को। खबरदार। इस तस्लीम को भी गिरफ्तार कर लो। एक बागी की लड़की मेरे घर में जासूस बनकर घुसी थी। अब्बा जान, मेरा हाथ बाप पर नहीं उठ सकता, इसका अपना नाजायज फायदा उठा रहे, बस छोड़ दीजिए। खामोश रहो तुम, मर्दूद कहीं का। हुजूर, हुजूर, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं दूर हो नमक खा रहा हूँ, मेरे घर में बागियों को छुपा कर रखा था। अब्बा जान, ले चलो इन सबको चांदनी चौक की कोतवाली पर। अब्बा जान, आप मेरे जिस्म के पराग से उड़ा सकते हैं लेकिन मेरे जमीर और मेरी रूह को नहीं दबा सकते। मैं जब तक जिंदा हूं इन्हें यहां से कोई नहीं ले जा सकता। आज ये भी आजमाइश कर लीजिए कि आपके हंटर में ज्यादा जोर है या मेरी रूह में। तू रास्ते से हटा है या नहीं? नहीं, मैं कहता हूं तू रास्ते से हटा। ये नामुमकिन है। अच्छा तो फिर ये ले। खालू जान, खालू जान, गजब हो गया। क्या हुआ? कुछ कारतूस हो गए झगड़े पर, हिंदुस्तानी फौजों ने कल रात मेरठ में गदर कर दिया है और आज वो लोग दिल्ली में घुस आए हैं। हिंदुस्तानी फौजों ने गदर कर दिया? जी हाँ, कमबख्तों पर खुदा की मार है, धनाधन बंदूकें दाग रहे हैं। इस वक्त मेरे कबूतर छतरी पर बैठे थे, बंदूकों की आवाज सुनकर भड़क कर उड़ गए। जल्दी कीजिए खालू जान, कहीं छुपने का इंतजाम कीजिए, नहीं तो ये बागी आपको मार डालेंगे। वल्ला, कप्तान राबर साहब जब आपके यहाँ से वापस जा रहे थे, किस बेदर्दी से उन्हें कत्ल किया है।
वो लोग दरियागंज में अंग्रेजों के बंगले भी जला रहे हैं। अंग्रेज औरत मर्द बूढ़े बच्चे सभी को मौत के घाट उतार रहे हैं। अजी मैंने तो ये भी सुना है कि वो लोग आपको पकड़ने के लिए यहाँ आने वाले हैं। बस जल्दी कीजिए, यहाँ से भाग चलिए। नहीं नहीं, मैं बुजदिलों की तरह भागना नहीं चाहता। मेरे सिपाहियों को इकट्ठा करो, मैं इन बदमाशों का मुकाबला करूंगा। नहीं खालू जान, आपके इन 50 सिपाहियों से क्या हो सकेगा? उन्होंने तो दिल्ली पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। यहाँ तक कि कमिश्नर फ्रेजर और कप्तान डगलस के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, और बहादुर शाह को उन्होंने फिर से तख्त नशीन कर दिया है। बस जल्दी यहाँ से भाग चलिए और अपनी जान बचाइए। बहादुर शाह तो मेरे दुश्मन है। असलम भाई आप भी चलिए। अजी मंजूर मियाँ, मुझे कोई नहीं पकड़ेगा, आप इत्मीनान रखिए। इस कमबख्त को कौन पकड़ेगा? अब तो इसकी पनाही है, मेरी मौत भी शायद इसी के हाथों को। नहीं अब्बा जान, अमीरी के जोम में और हुकूमत के नशे में औलाद की मोहब्बत दिल से निकाल कर आपने मुझ पर जो जुल्म करने थे कर लिए, लेकिन मैं अपना फर्ज कभी नहीं भूल सकता। आप मेरे बाप हैं, सबसे पहले मैं आप ही की हिफाजत करूंगा। सिपाहियों मेहमानों को यहां छोड़ दो और महल का फाटक बंद कर। तुम ले रहो वतन के, तुम ले रहो वतन के, तुम ले रहो
बाअदब 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 वारिसे हुकूमते तैमूरी साहिबे मरातिबे फखूरी सुल्तान जलालत माआब आली जनाब वाला बहर शहनशाह बहादुर शाह जफर तख्त सल्तनत पर जलवा अफरोज होते हैं। इलाही जब तक गंगा जमुना में पानी है, जब तक हवाओं में रवानी है, जब तक आफ्ताब महताब में नूर है, उस वक्त तक हमारे शहंशाह का दौर हुकूमत कायम दायम रहे। आमीन आमीन। हाजरीन दरबार, अब शहंशाह आलम पना कुछ गौर अफसाने फरमाएंगे। हाजरीन दरबार, माँ बदौलत एक फकीराना जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन तुम सब ने मजबूर करके तख्त व ताज की जिम्मेदारियों का बोझ माँ बदौलत के सर पर रख दिया। सल्तनत तैमूरी अक्सर नौ कायम हुई, इसकी माँ बदौलत को खुशी है। चाहिए तो ये कि सब तुम्हारी तारीफ की जाए, लेकिन इन बेकार बातों में वक्त खराब करने के बजाय माँ बदौलत तुम्हें कुछ जरूरी नसीहतें करते हैं, जिन्हें कान खोल कर सुनो। सबसे पहले माँ बदौलत को यह मालूम करके सख्त अफसोस हुआ कि तुमने फतेह हासिल करने के लिए अंग्रेज औरतों और बच्चों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। लड़ाई सिपाहियों में हुआ करती, औरतों और बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। इससे पहले कि तुम पर कहर खुदा नाजिल हो, तुम अपने गुनाह से तौबा करो। किसी मुल्क का ले लेना आसान है, लेकिन उसमें सल्तनत कायम रखना मुश्किल काम है। आजादी हर कौम का फितरी हक है, और तुमने भी एक गैर कौम को यहां से हटाकर अपना फितरी हक हासिल किया है, लेकिन अब इस हक की हिफाजत भी तुम्हें करनी होगी। तुम्हारी बहादुरी के नक्कारे की गरज कानों के पर्दों से टकरा रही है, लेकिन दरअसल ये नक्कारा अंदर से बिल्कुल खोखला है, क्योंकि तुम में तंजीम नहीं, तुम में ईसार नहीं, तुम में इस्तकलाल नहीं, तुम एक वक्ती जोश में बहुत बड़ा काम कर गुजरे हो। अब तुम्हारा फर्ज है कि इस जोश को कायम रखो, ताकि तुम्हारा ये कारनामा तारीख में हंगामे के नाम से न लिखा जाए। अगर ये नसीहतें मंजूर हैं तो इस बादशाहत की जिम्मेदारी लेना माँ बदौलत कबूल करते हैं, वरना हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी रियासतें मौजूद हैं, वहां के ताजदारों में से किसी को अपना बादशाह बना दो। हम हजूर वाला को यकीन दिलाते हैं कि जब तक हमारा एक भी सिपाही जिंदा है, अंग्रेज दिल्ली पर कब्जा नहीं कर सकते। जनरल मिर्जा मुगल, तुम माँ बदौलत के फर्जंद हो, तुम्हारा जोश देखकर माँ बदौलत को खुशी हुई। अगर तुम्हारे इरादे मजबूत हैं, तो माँ बदौलत भी तुम्हारे साथ है। कल जश्न फतह मनाया जाए। हमारो लाल किले पर फैलाए,
लहर लहर वक संग मुरजिया लहराए मुरजिया लहराए निशा हमारो लाल किले पर फहराए लहर लहर वक संग मुरजिया लहराए मुरजिया लहराए चमक 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 ये देव चमक मुर बांके आए आए आजादी के जंग जीत कर देश के लाल कहाए देश के लाल कहाए मोर गोर गोर हाथ फूल गजरों के साथ और शीश पे तिलक लगाए चमक 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 लिए तेरा चमक मोर बांके की पहिया आए आए आजादी की जंग जीत कर देश के लाल कहाए देश के लाल कहाए चमक 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 लिए तेरा चमक मोर बांके की पहिया आए आए आजाद सिपाही जिंदाबाद आजाद सिपाही जिंदाबाद तक पर शहंशाह बहादुर शाह तक नसीन हो गए। इसके बाद धीरे धीरे ये इंकलाब की आग हिंदुस्तान में चारों तरफ फैल गई। अम्बाला जलंधर अलीगढ़ मैनपुरी इटावा कानपुर लखनऊ इलाहाबाद वगैरह शहरों में बगावत के शोले भड़क उठे। एक तरफ तांतिया टोपी की फौजों ने अंग्रेजों को खदेड़ना शुरू किया तो उधर नाना साहब पेशवा भी चुप नहीं थे। कंपनी सरकार के जुल्मों के खिलाफ लोग काफी भड़क चुके थे। यहाँ तक कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी युद्ध की तैयारी कर ली थी। औरतें भी कमर बांध कर लड़ने को तैयार हो गई थीं। जब तक मैं जिंदा हूँ अंग्रेजों को झांसी नहीं दूंगी। उनसे कम नहीं हुजूर चाल चलिए कैसे क्या बदल रहे हैं यार ये शादी क्या उन्होंने मजाक करने के लिए तय की थी पूरी तरह फंस गया हजरत
हाय हाय, अब्बा जान को तो शतरंज खेलने से फुर्सत ही नहीं, और इधर कमबख्त असलम ने शादी से इनकार कर दिया। अब मैं क्या करूं भैया? हाँ, तुमने कुछ नहीं कहा उनसे? अजी मैं क्या कहता, अब तो वो बागी फौज का नायब जर्नेल बन गया है, मेरा उसके सामने क्या चलता। हाय हाय, अल्लाह करे इन बागियों के तोप में कीड़े पड़े, इनकी बंदूकें सड़ जा। हाय हाय, ऐसे जिने से तो मौत अच्छी। मौत की राह न देखो के बिना न रहे, तुमको चाहूं के न आओ तो बुलाए न बने, बोझ वो सर से गिरा है के उठाए न उठे, काम वो आन पड़ा है के बनाए न बने, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब। हाँ, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, कि लगाए न लगे और बुझाए न बने। हाँ, के लगाए न लगे और बुझे न बने। वाह वाह, क्या मुरस्सा गजल है, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त गालिब का कलाम भी जिंदा कलाम है। क्या बात है बेटी, पहले भी तुम गाया करती थी, मगर ये सोचना था। जी, यूं ही। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कौन जवाहिर, आओ, तुमसे क्या पर्दा है? सेवक आदाब बजा लाता है सरकार। आओ जवाहिर सिंह, कहो सब खैरियत है? जी हाँ सरकार, आज सवेरे से नवाबजादा असलम मिर्जा के साथ नई फौजों की तरतीब में लगा हुआ था, इसीलिए हाजिर ना हो सका, क्योंकि अंग्रेज हर तरह से दिल्ली वापस लेने की कोशिश कर रहे। असलम खैरियत से तो है? जी हाँ सरकार, बल्कि वो खुद भी आपसे मिलने को कह रहे थे, लेकिन फुर्सत नहीं मिली। बहुत अच्छा लड़का है असलम, खुदा उसकी उम्र दराज करे। मैं तो कहता हूँ सरकार, कि ऐसा काबिल नेक चलन और देशभक्त मीरजादा आज सारे हिंदुस्तान में नहीं मिल सकता। इसमें क्या शक है हुजूर? तस्लीम बीबी की शादी इन्हीं के साथ क्यों ना कर दी जाए, बहुत अच्छा जोड़ा रहेगा। जवाहर सिंह, शेख चिल्ली के ऐसे मंसूबे मत बांधो। क्या मैंने कोई नामुनासिब बात कही हुजूर? हाँ, तुमने बिल्कुल नामुनासिब बात कही। तस्लीम की जो जिल्लत उस घर में हुई है, वो सारे वाकयात तुम सुन चुके हो। उसके बाद भी मुझे ताज्जुब होता है कि तुमने ऐसी मुहम्मल तजवीज क्यों पेश की। असलम मुझे पसंद है, लेकिन मैं उस गद्दार वतन आगा शौकत के यहां अपनी लड़की हरगिज नहीं दे सकता। अफसोस यह है कि शहंशाह बहादुर शाह ने उस नाहंजार को माफी दे दी है, नहीं तो तस्नीम की एक एक तौहीन का गिन गिन कर उससे बदला लेता। बस, आइंदा इस बात का जिक्र कभी मेरे सामने न करना, मेरा खून खौल उठता है। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं सरकार। गजब हो गया, अंग्रेजी फौजें हमारी फौजों को धोखा देकर दिल्ली में घुस आई। या खुदा, ये क्या गजब हो गया? घबराइए ना सरकार, मैं अभी देखकर आता हूं क्या मामला है। गोरी फौजों ने फिर से दिल्ली फतह की, उसके डर से लोग शहर छोड़कर भाग गए और जो बचे थे उन्हें जबरदस्ती निकाल दिया गया। कंपनी सरकार ने अपने पराये का भी ख्याल नहीं किया
नवाब आगा सुकत की जायदाद छीन कर उन्हें भी निकाल दिया गया। शहंशाह बहादुर शाह को भी लाल किला छोड़कर दूसरी जगह पनाह लेनी पड़ी। हुजूर हुजूर, अंग्रेजी फौजों ने दिल्ली पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। गोरों के जुल्म से दिल्ली के तमाम हिंदू मुसलमान बाशिंदे शहर छोड़कर चले गए हैं। ये घोड़ों के टापों की आवाज क्या थी? हुजूर, कप्तान हर्षन आपको गिरफ्तार करने आए हैं। नहीं, मेरे रहते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। गिरफ्तार करने आए, ये तो मालूम था। क्यों, याद है हमने पहले ही कहा था कि तुमने इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने सर ले ली है जिसे निभाना तुम्हारी ताकत से बाहर। तुम्हें फतेह करने वाले भी आदमी थे, तुम भी आदमी हो, लेकिन आज वो हाकिम है और तुम महकूम। ये सब क्यों हुआ? जरा अपने गरीबान में सर डालो और सोचो तो तुमको तुम्हारे ऐप खुद नजर आ जाएंगे। एक वक्त वो था जब यही तुम्हारे हाकिम दादा जान जहांगीर बादशाह के दरबार में कुछ तिजारती माल लेकर हाथ जोड़े हाजिर हुए, जो आज बढ़ते बढ़ते इस हद पर पहुंच गए हैं कि जहांगीर बादशाह का पोता उनका कैदी। न तो हमें तख्तोताज की तमन्ना थी, न उसके जाने का अफसोस। अलबत्ता इस बात को सुनकर मां बदौलत का दिल तड़प उठा कि जो जुल्म तुमने अंग्रेज औरतों और बच्चों के साथ किए थे, आज उनका बदला गिन गिन कर लिया जा रहा है। वही जुल्म तुम्हारी औरतों और बच्चों के साथ किए जा रहे हैं। इंसान चाहे कितना भी गिर जाए, लेकिन खुदाए कुद्दूस के इंसाफ का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। तुमने जुल्म किया, तुम्हारी हुकूमत गई। आज देख लिया आपने दुनिया की दौलत और हुकूमत, एक छोखे में पता भी नहीं चलता कि सच चली। हाँ, अब सब कुछ समझ में आ गया। काश जो कुछ आज समझा हूँ आज से पहले ही समझ गया होता। क्या कर रही हो बेटी? आपका कुर्ता फट गया है, उसी को पैवन लगा रही हूँ। रहमतपुर के नवाब साहब को ये न मालूम था कि पैवन लगे हुए कपड़े भी पहनने पड़ेंगे। इस गरीबी की जिंदगी पर तो हमें फख्र करना चाहिए अब्बा जान। हमारे पैगंबर इस्लाम जो मुख्तारे कायनात थे, तमाम खुशखबरी सुनिए, अब हमें जंगलों में नहीं रहना पड़ेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की जिस जालिम सरकार ने हमें दिल्ली से निकाल दिया था, आज उसकी हुकूमत बिल्कुल खत्म हो गई। क्या हुआ? मलिका विक्टोरिया ने ऐलान किया है कि आज से हिंदुस्तान की हुकूमत की बागडोर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से छीनकर खुद अपने हाथ में ले ली है। खुदा का शुक्र है कि एक जालिम हुकूमत का खात्मा हो गया। शहंशाह बहादुर शाह ने उस वक्त जो पेशीन गोई की थी वो सच होकर रही। कंपनी की हुकूमत साल ही भर में खत्म हो गई। इंसान को इससे सबक सीखना चाहिए, क्योंकि तारीख यही बताती है कि जुल्म करने वाले एक न एक दिन कहर खुदा का शिकार बन जाते हैं। जी हाँ सरकार, और मलिका विक्टोरिया ने इस ऐलान में यह भी बताया है कि अब इंग्लिस्तान की हुकूमत हिंदुस्तानियों के मजहबी मामलात में कभी कोई दखल न देगी। साथ ही इस हुकूमत का मकसद हिंदुस्तान को आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत खुद अख्तियारी की तरफ पहुँचाना होगा। हुकूमत खुद अख्तियारी? जी हाँ, यानी हिंदुस्तानियों की अपनी हुकूमत? बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, आजादी इंसान का पैदाइशी हक है, और जब आजादी की हवा लोगों में फैल जाती है तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें गुलाम नहीं रख सकती। लेकिन हमें हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए। अगर हम अपनी आजादी के लिए दिलो जान से कोशिश करते रहे तो एक न एक दिन दिल्ली के किले पर हमारा झंडा फिर से लहराएगा। शायद उस दिन को देखने के लिए हम जिंदा रहें या ना रहें, लेकिन मुझे यकीन है कि हम नहीं तो हमारी औलाद और वो नहीं तो उनके बाद में आने वाली नस्लें एक ना एक दिन हिंदुस्तान को जरूर आजाद देखेंगे। जब तक तेरी जमीन है, मैं नौजवान हमारे दिल्ली तेरे किले पर होंगे निशान हमारे।
हमारे दिल के तले पर तुम्हें निशान मारे मौला करे कदम से।